जब डेब्यू हुआ था हमजद का यू के अंदर तो जिस बात से वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे जिस लाइन से वो ये था कि आई वॉन्ट टू फाइट एवरी बॉडी शमैश एवरी बॉडी फाइट एवरी डे एवरी वीक और उन्होंने ऐसा किया कुछ टाइम तक पहले कुछ जो फाइट्स थी उनकी वो बहुत जल्दी हो गई थी साल के अंदर आई थिंक ही वॉट थ्री टाइम्स और हर फाइट में परफॉर्मेंस उनकी लास्ट फाइट से बेहतर था सो so लगा शायद ये एक बहुत ही न्यू ब्रीड ऑफ़ फ़ाइटर है जो कि बहुत ज़्यादा हंग्री हैं ग्रोथ के लिए फ़ाइट एनी वेयर एनी किसी भी इवेंट में हो किसी भी देश में हो और ऐसा होने के बाद जो उनकी हाइप बनी थी लगा शायद कि दिस इज़ द गाय जो कि शायद कई मायनों में कॉर्नर को पीछे छोड़ देगा बट ऐसा हुआ नहीं ऐसा हुआ नहीं और जो हम पीक जिसका हम वेट कर रहे थे हम सद का कि यह पीक उनका आएगा अभी वो अब तक तो उनका पीक आया नहीं बल्कि एक तरीके से जो उनकी हाइप है मेरे अकॉर्डिंग मैं शायद मैं गलत हूँ वो कम हो गई है और उसका रीज़न ये है कि जो हम जो फैंस को उनसे जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हो पाई अब हाँ इज़ ए बैड लक फॉर श्योर जो कि इसमें शामिल है कोविड में उनके उनके पास एक बहुत अच्छी फाइट थी लियोन एडवर्ड्स जो कि दो बार तीन बार हुई बट हो नहीं पाई उसके बाद उन्होंने वेट मिस किया अगेंस्ट नेट डियाज जो कि बहुत बड़ी फाइट जो कि वो पूरा इवेंट उन, उनके लिए बना था कि यार ये आपके लिए इवेंट है आप ये फाइट करो हराओ नीडियास को और फिर स्टार बन जाओ सुपर स्टार बन जाओ वो सार तो ऑलरेडी है ही बट वहाँ पर उन्होंने वेट मिस किया एंड देन उस फाइट से, से तुरंत पहले जो उनकी फाइट थी अगेंस्ट गिलबर्ट बर्ंस जहाँ पे कई मनों में उनकी शायद वो इट इवर द फर्स्ट टेस्ट ये फर्स्ट टेस्ट था जहाँ पे एक रैंक फाइटर अगेंस्ट लाइक गिलबर्ट बर्ंस के साथ उनको फाइट करनी थी और वो एक बड़ा ही डिसीजन क्लोज डिसीजन आई थिंक डिसीजन और फिनिश uh, नहीं कर पाए और जो ये फोटो है उनकी याद है कि फर्स्ट राउंड एक आया था ट्वीट किसी यूट्यूबर का कि, राउंड वन में जस्ट लाइक कॉर्नर राइट इज़ फुल ऑफ एनर्जी फुल ऑफ जोश और फिर राउंड वन के बाद वो बस ही जस्ट फेड्स अवे वो स्लो हो जाते हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है उनका जो आउटपुट कम हो जाता है और ऐसा हमने कई बार देखा है कि अगर वो फाइट फिनिश कर पाते हैं राउंड वन के अंदर तो बहुत सही है इट्स ऑल गुड इट्स बेस्ट और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो राउंड टू थोड़ा सा कम राउंड थ्री और कम और चलता रहता है ऐसे और अब जब ये न्यूज़ आई कि वो इंजर्ड थे उनका थम है वो ब्रेक हो गया था इस फाइट में अगेंस्ट उस्म राउंड वन के अंदर ही और फिर ही सिख तो एक तरीके से fight, जो उनकी फाइट जो करियर है uh, वो उस हिसाब से नहीं गया जैसा कि हम सोच रहे थे जबकि हम एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो शायद एक uh, चीज़ है जो कि शायद वो खुद समझ रहे होंगे इस टाइम पे लेकिन यू इस टाइम पे से क्या कर रही है जो मुझे लग रहा है कि शायद यू भी कुछ खास नहीं है इंटरेस्टेड उनको पुष्ट करने में और ऐसा इसलिए शायद बिकॉज जब यू से कुछ साल पहले जब वो किसी फाइटर को पुश करती थी कि यार यू बिकम स्टार तो वो उसके पीछे पूरी अपनी जान झोंक देती थी आ, और ऐसा शायद इस बार नहीं हुआ और मे भी शायद हमजद नहीं है वो फाइटर जो कि हम सोच रहे थे कि वो हैं कॉर्नर का जो उस टाइम पे एक मोटो था कि यू नो फाइट द बिगेस्ट फाइट नेवर नेवर मिस वेट नेवर से नॉट टू टू ए फाइट और एक बार जो उन्होंने हाँ कहा इस फाइट के लिए फाइट वो करते थे चाहे वो कैसी भी फाइट हो बट हमजद वैसे नहीं निकले और यू का जो फेथ है हमने वो कम हो गया आफ्टर ने डियाज फाइट और अब जो बार बार वो इंजर्ड हो रहे हैं वो सिख हो रहे हैं आई एम नॉट श्योर कि क्या अब वो फ़ाइटर क्या हमजद अब उस लेवल पे पहुंच पाएंगे जो कि हम सोच रहे थे एंड आई होप ऐसा हो आई होप कि वो हमें साब, गलत साबित करें बट इस टाइम पे जो सिम्टम्स हैं वो वैसे नहीं हैं लग रहा है शायद कि नहीं वो फ़ाइटर नहीं है और अब शायद जो यू सी है मेरे हिसाब से जहाँ पे एक स्लॉट खाली पड़ा है हम बात कर रहे थे कुछ दिनों पहले क्या वहाँ पे वो फाइट कर पाएंगे अगर ऐसा हो पाया तो बहुत अच्छा होगा बिकॉज वी नीड हिम मोर देन ही नीड्स अस यानी कि फैंस को ज़्यादा ज़रूरत है उनकी बजाय उनको हमारी ज़रूरत है और हम वेट कर रहे हैं उनका uh, आगे बढ़ने का और फ़ाइट करने का ओवरऑल आई थिंक मे बी शायद हमने फैंस ज़्यादा जा, उनके बारे में ज़्यादा सोचा ज़्यादा हमने ज़्यादा उनको uh, उनके ओर बोझ डाल दिया हमारे एक्सपेक्टेशन का कि यही तो वो फ़ाइटर जो कि हमेशा फ़ाइट करता रहेगा जीता रहेगा बेल्ट जीता रहेगा और अब तक उनकी पहली बार भी उनकी फ़ाइट नहीं है किसी बेल्ट के लिए किसी भी टाइटल के लिए और मेरे हिसाब से वो लेट चल रहे हैं फ्रॉम फैंस परस्पेक्टिव वो लेट चल रहे हैं उन्हें अब तक चैंपियन बन जाना चाहिए था अगर वो वो फ़ाइटर हैं जो कि वो कहते हैं और उनकी हर फाइट के बाद सवाल ज़्यादा उठते हैं बजाय आंसर मिलते हैं उनकी बंस फाइट के पास ज़्यादा सवाल उठे ना आफ्टर उस पर फाइट और सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो रियली में लेवल पे हैं कैन ही रियली फाइट फाइव राउंड्स अगेंस्ट ए लाइक यू नो उस्मान और वो सवाल बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं तो उन्हें कुछ ऐसे कुछ फ़ाइट्स देनी पड़ेंगी कुछ ऐसे परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी जहाँ पर जो सवाल है ये सब पे एक बार फुल स्टॉप लग जाए और हम उस फाइट का वेट कर रहे हैं एंड आई होप आपकी आप भी वेट कर रहे हो सो या इट इज़ लाइक वी आर वेटिंग फॉर हमजा टू प्रूव कि वो वो फाइटर हैं जो कि वो कहते थे वो हैं बट अब तक ऐसा हो नहीं रहा है क्या ऐसा होगा देखते हैं क्या ऑफाट करेंगे यू सी में देखते हैं हम सिर्फ वेट कर रहे हैं दोस्तों ये था मेरा वीडियो हम जब चिमाई पर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम टेक केयर बाय बाय